घर बैठे बनाए पिज्जा बिना मैदा बिना ओवन बिना बेक किए हुए और बाजार से बेहतर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर किचन तड़का मार के विद नीलू। आज हम बनाएंगे सूजी के इंस्टेंट पिज्जा। ये पिज्जा बिना किसी बेस के, बिना ओवन, बिना कुकर के डायरेक्ट कढ़ाई में बनाएंगे और ये इंस्टेंट बनेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप सूजी। ये नॉर्मल सूजी है जिसका हलवा आदि बनाने के लिए यूज होता है। इसे मैंने एक बार मिक्सी में डाल करके एक बार ऐसे ही चला लिया है जिससे ये बिल्कुल बारीक हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच खाने वाला सोडा और 1/4 कप दही। दही फ्रेश होना चाहिए, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। और जब ये सॉफ्ट डो तैयार हो जाए तो इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट के बाद डो को चेक करेंगे और अगर ज़रूरत हो तो हाथ में पानी लेकर के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से। अब इसे बेल लेते हैं जैसे रोटी बेलते हैं ना, वैसे ही। बहुत पतला नहीं बेलना है। अब एक पैन लेंगे, अगर नॉनस्टिक पैन लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा पिज्ज़ा बनाना क्योंकि इसमें नीचे चिपकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है। इसे गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके ऊपर पिज्ज़ा बेस रखेंगे और फोक से ऊपर से हल्का होल बना लेंगे जिससे ये रोटी जैसा फूलेगा नहीं। फोक से होल बना करके इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और फ्लेम को लो रखेंगे। 2 मिनट के बाद नीचे चेक करेंगे, अगर ये पक गया है तो इसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे फ्लिप करेंगे। इसके बाद 3 टेबलस्पून पिज्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मोजरेला चीज लिया है, इसे हाफ अभी स्प्रेड करेंगे। और मोजरेला चीज़ स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर से डालेंगे वेजिटेबल, इसे अच्छी तरह से सजाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो, अनियन, कॉर्न, ओलिव, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और कैप्सिकम। यहाँ आप चाहे तो पनीर, ब्रोकली, मशरूम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बाकी बचे चीज़ को भी स्प्रेड कर देंगे और चीज़ स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर 1 टेबल स्पून पिज्ज़ा सीजनिंग डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। अगर बच्चे छोटे हो, वो चिली नहीं खाते हो, तो चिली फ्लेक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे 5 से 7 मिनट कवर करके रखेंगे जब तक कि चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और फ्लेम को लो रखना है, फ्लेम को तेज़ या मीडियम नहीं रखना है क्योंकि नीचे से पिज्ज़ा हमारा जल जाएगा। इसीलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है जब तक कि चीज़ हमारा मेल्ट ना हो जाए। अब करीब 7 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, चीज़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब ये हमारा पिज्ज़ा तैयार है, इसे कट करेंगे और सर्व करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मिलती हूँ कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।